तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों एक्चुअली शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ना कि क्या आपके ही मोबाइल फोन में आपकी व्हाट्सएप वाली एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं हो रही और आप परेशान है। तो इस वीडियो में आपको सलूशन मिल जाने वाला है 100% दोस्तों ना, आपकी व्हाट्सएप ऐप डाउनलोड हो जाएगी। क्योंकि सबके फोन में ना थोड़ी बहुत छेड़छाड़ हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे छेड़ देते हैं, आम से छेड़खानी हो जाती है या कुछ सेटिंग वगैरह अपडेट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारा प्ले स्टोर जो है ना वो हमारे व्हाट्सएप को डाउनलोड नहीं कर पाता है। तो क्या प्रोसेस है, क्या तरीका, आज की इस वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे। वीडियो पसंद आएगी ना तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए इस वीडियो में सीख लेते हैं कैसे कैसे क्या करना है। सबसे पहले तो इस बात को ध्यान देना है ना कि आपका डेटा कनेक्शन या वाईफाई कोई एक ऑन होना चाहिए, जिससे आपका मतलब काम करे, प्ले स्टोर वगैरह अच्छे से वर्क करे। ये पहला तरीका, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप प्ले स्टोर पर जाते हो ना और यहाँ पे आप सर्च करते हो व्हाट्सएप, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे सर्च करते हैं व्हाट्सएप, जैसे सर्च यहाँ पे करेंगे दोस्तों ना, व्हाट्सएप लिखेंगे आप ना, तुरंत ही आपके सामने व्हाट्सएप मैसेंजर इस तरह से आ जाती है। और जैसे हम लोग इस पे इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे एक बार और दिखाना चाहूंगा, इंस्टॉलिंग पे जैसे क्लिक करते हैं इस तरह से सर्किल डोलती है, पेंडिंग में रहता है लेकिन डाउनलोड नहीं होता है, प्रॉब्लम हम लोगों के साथ होती है। आइए देख लेते हैं पूरी सेटिंग कैसे कैसे क्या करेंगे, कैसे इस ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, सब कुछ तरीका बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपने फोन के सेटिंग वाले ऑप्शन को ओपन करना है। सेटिंग सबके फोन में रहती है ना, तो सेटिंग वाले ऑप्शन को ओपन करना है। आपका फोन किसी भी कंपनी का ना, हर एक कंपनी की सेटिंग के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा ना एप्स का। देखिए मेरा फोन रेडमी कंपनी का है तो मेरे में एप्स का ऑप्शन दिखा, और इस पे यदि हम क्लिक करें तो एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे मैनेज एप्स का, और यदि हम इस पे क्लिक करें तो मेन सेटिंग में आ जाएंगे। लेकिन यदि आपका फोन दूसरे कंपनी का है, रियलमी का है, तरह तरह की अदर कंपनियां का आप फोन यूज कर रहे होंगे, तो आपको क्या करना है आइए बताते हैं। बैक आएंगे और बैक आने के बाद वापस से सेटिंग वाली बटन को ओपन करेंगे। और दोस्तों आजकल जो भी फोन आ रहा है ना, किसी भी कंपनी का हो, जब सेटिंग में आप आ जाएंगे ना तो ऊपर सर्च सेटिंग का ऑप्शन दिया रहता है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। किसी किसी फोन में ऊपर और किसी किसी फोन में नीचे जरूर ऑप्शन दिया रहता है सर्च सेटिंग का, इसमें आपको लिखना है ना, ध्यान दीजिएगा, किसी भी कंपनी का फोन हो आपको इसमें लिखना है MANAGE मैनेज APP, ये लिख के सर्च कर देना है। जैसे सर्च करेंगे ना यहाँ पे देखिए मैनेज ऐप वाली सेटिंग आ जाएगी, वही वाली सेटिंग जो मैंने अभी बैक जाकर नहीं बताया पहले, मैनेज ऐप वाला, उसी क्लिक करेंगे ना तो वही वाली सेटिंग सेम आ जाएगी जैसे आपने उस माध्यम से गया था, यानी यहाँ से आप गए थे ना, यहाँ से एक बार दिखा दें, और यहाँ से आप गए थे ना एप्स में गए थे, फिर मैनेज एप्स में गए थे, सेटिंग में आप सर्च कर लीजिएगा मैनेज ऐप, उसके बाद आपके सामने इस तरह से सेटिंग आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको ढूंढ लेना है ना कि आपके गूगल प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन कहाँ पे है, ठीक है ना। तो हम ढूंढ लेते हैं हमारी गूगल प्ले स्टोर कहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं हमारी गूगल प्ले स्टोर ऐप हमारी अभी मिल जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं गूगल प्ले स्टोर वाली ऐप हमारी कहाँ पे है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, हमारी पूरा का पूरा ऐप यहाँ पे दिखाई देंगी, इसी में आपको प्ले स्टोर कहीं कहीं मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर। लेकिन यदि ना मिले ना तो आप साफ साफ ऊपर देखिए इसमें भी सर्च का ऑप्शन है, ठीक है। तो इसी में लिख लीजिए PLAY, ठीक है, प्ले। जैसे ही आप लिखेंगे ना तो बहुत सारी ऐप आपको दिखाई देने लगेंगे, ठीक है ना। तो ऊपर देखिए गूगल प्ले स्टोर आ गया, ठीक है, इसी पे आपको क्लिक करना है या तो सर्च कर लीजिएगा, सर्च करने में टाइम लगेगा, डायरेक्टली आप यदि सर्च कर लेते हैं तो अच्छा है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा ऐप परमिशन का, इस पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करके चेक कर लेना सब परमिशन तो ऑन है ना, इस सबको ऑन कर दीजिएगा, जो बंद होगा उसको चालू कर दीजिएगा। फिर बैक आइएगा, बैक आने के बाद एक ऑप्शन दिखेगा रिस्ट्रिक्ट डेटा यूजेज, इस पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे मोबाइल डेटा देख लीजिएगा, यहाँ पे यदि अनचेक मार्क होगा ना तो इस पे चेक मार्क जरूर करके ओके कर दीजिएगा, ठीक है। और ये दो सेटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फोन के यहाँ पे स्टोरेज का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। स्टोरेज पे क्लिक करके या दोस्तों बैक आएंगे आपके फोन में, यदि यहीं पे दिखा रहा है क्लियर डेटा का ऑप्शन तो आप क्लियर डेटा पे क्लिक करिएगा, यदि नहीं दिखा रहा है तो स्टोरेज पे क्लिक करेंगे ना तो तब भी क्लियर डेटा यहाँ पे दिखेगा। तो कुल मिला के आपको क्लियर डेटा पे क्लिक करके, क्लियर ऑल डेटा पे क्लिक करके ओके कर देना है। जैसे ओके कर देंगे आपके सामने फिर ऐसा इंटरफेस आएगा, फिर आपको वापस से बैक आना है और बैक आने के बाद दोबारा से चलना है प्ले स्टोर में। और अब आपको क्या करना है यहाँ पे मैं बताता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा लोडिंग लेगा, देखिए बिल्कुल नए तरीके से यहाँ पे प्ले स्टोर आ गया और यहाँ पे हमको क्या लिखना है, व्हाट्सएप क्या लिखना है,
आई मैं लिखता हूँ क्योंकि प्ले स्टोर अभी दोस्तों अक्लियर डेटा मैंने किया है, तो यहाँ पे लोडिंग थोड़ा लेगा, आपका भी फोन लोडिंग लेगा, आप घबराइएगा मत, थोड़ा सा वेट करिएगा और उसके बाद यहाँ पे सर्च का ऑप्शन काम करने लगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे काम करने लगा, तो इसमें हम लिखेंगे व्हाट्सएप, WHATSAPP, व्हाट्सएप लिख के सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे ना, अब व्हाट्सएप हमारे यहाँ पे पहले पे दिख जाएगी। आइए मैं आपको डाउनलोड करके पूरा, आप दोस्तों अब कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको लाइव मैं दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे व्हाट्सएप जैसे हमारी आ जाती है, उसके बाद हम इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे, और हमारी ऐप अभी परसेंटेज में डाउनलोड होने लगी, आपको पूरा दिखाऊंगा। देखिए 9%, 21% डाउनलोड होने लगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं कमाल की सेटिंग रही ना। हम उम्मीद करेंगे हमारी वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो ना, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।